नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो एक बड़ी सफलता को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अरब सागर में एक टारगेट को निशाना लगाया। मिसाइल ने उच्च स्तरीय और अत्यधिक जटिल युद्धाभ्यास के बाद लक्ष्य को सटीकता के साथ सफलतापूर्वक मार गिराया। ब्रह्मोस एक प्राइम स्ट्राइक हथियार के रूप में नेवल सरफेस लक्ष्य को लंबी दूरी तक निशाना बनाकर युद्धपोतों को एक बड़ी बढ़त देता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से ज्यादा है। DRDO के सूत्रों ने बताया कि यहां पास में चांदीपुर स्थित ITR से अत्याधुनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया जो कि सफल रहा। DRDO के अधिकारी ने बताया कि परीक्षण के दौरान सभी मेजरमेंट्स को प्राप्त कर लिया गया। तो एक बड़ी सफलता DRDO के लिए और लगातार भारत का एक और परीक्षण जो ये साबित करता है कि भारत अपनी सुरक्षा से किसी भी तरीके से कोई भी समझौता नहीं कर सकता है। दोस्तों आप अगली खबर CRPF को लेकर आ रही है। CRPF ने अपने बल की अभियान संबंधी चुनौतियों के लिए तकनीकी समाधान खोजने की दिशा में काम करने वाले अधिकारियों का एक समूह तैयार करने के लिए IIT दिल्ली और DRDO के साथ करार किया। करीबन 3.25 लाख कर्मियों और बलों में ऐसे 500 अधिकारी और उप अधिकारी हैं जिनके पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की व्यावसायिक डिग्रियां भी हैं। CRPF IIT दिल्ली और DRDO के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ये अधिकारी इन संस्थानों में एक शॉर्ट टर्म कोर्स करेंगे और अनुसंधान पर कार्य भी कर सकेंगे। CRPF के प्रवक्ता ने बताया कि CRPF के 40 इंजीनियरिंग स्नातक अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों का पहला बैच IIT दिल्ली की शिक्षा कार्यक्रम के तहत 3 से 6 महीने का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे जटिल चुनौतियों से निपटने, अभियान संबंधी और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने में विशेष कौशल और क्षमता का ज्ञान मिलेगा। यानी कि दोस्तों ये जो अधिकारी हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्रियां हैं और CRPF में काम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी इनको पता है कि किस तरीके की चुनौतियों का सामना करती है सेना और खास करके ये जो अर्धसैनिक बल है, और उनके हिसाब से ये लोग रिसर्च करेंगे और नए नई तकनीकों को बनाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये एक बहुत अच्छा कदम है जिससे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एक बड़ा बढ़ावा भी मिलेगा और ये जो इंजीनियर्स हैं वो अपने हिसाब से और लक्ष्य पर वो अपनी सेना की जरूरतों के हिसाब से उपकरणों को तैयार कर सकेंगे। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर भी भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है उसको देखते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारियों को पूरा कर रही है और अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हथियारों की खरीद भी शुरू कर दी है। दरअसल पिछले एक दशक में सेना अब नई असॉल्ट राइफलें, शॉर्ट क्वार्टर बैटल कार्बाइन और लाइट मशीन गन के लिए अपने लंबे रोड मैप के साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है। 12 लाख से अधिक पैदल सैनिकों की मजबूत सेना के लिए बुनियादी हथियारों की आवश्यकता कई ज्यादा है जो हम अक्सर हविजर, टैंक, मिसाइल, हेलीकॉप्टर जैसी चीजों को हासिल करने की दौड़ में भूल जाते हैं। दरअसल 380 से अधिक पैदल सेना और 63 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन को लगभग 9.5 लाख असॉल्ट राइफलें, 4.6 लाख CQB कार्बाइन और 57,000 से अधिक लाइट मशीन गन यानी कि LMG की आवश्यकता होती है। अधिकारियों के मुताबिक एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में विदेशों से कुछ इमरजेंसी हथियारों की खरीद पहले से ही चल रही है। वहीं आवश्यकताओं के रूप में विदेशी सहयोग के साथ मेक इन इंडिया के तहत इसे पूरा किया जाएगा। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच अमेरिका से 72,000 सिक्स और असॉल्ट राइफलों के दूसरे स्लॉट के लिए अनुबंध दिसंबर तक निर्धारित किया जाना है। वहीं सेना ने पहले ही 72,400 सिक्स और राइफलें प्राप्त कर ली हैं, जो कि करीबन 647 करोड़ रुपए के फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट यानी कि FTP सौदे के तहत फ्रंटलाइन सैनिकों के लिए 500 मीटर की किल रेंज वाली 7.62x51mm कैलिबर की बंदूकें हैं। इसके साथ ही आपको पता ही है जैसे कि AK-203 राइफल बनाने के लिए रूस के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही इन राइफलों को भारत में ही बनाया जाएगा। इसके अलावा 16,469 यानी कि 16,479 इजरायली नेगेव 7.62x51mm LMG की डिलीवरी इस साल मार्च में शुरू हुई है जो 880 करोड़ रुपए की डील के तहत जनवरी में शुरू होगी। 5 विदेशी कंपनियों ने बाद में बाकी LMG के निर्माण के लिए पहले से इस परियोजना के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया है जिसका टेस्ट अगले साल की शुरुआत में होगा। वहीं भारत 4.6 लाख CQB कार्बाइन बनाने के लिए RFP भी अगले साल की शुरुआत में जारी किया जाएगा। UAE फर्म कैरिकल से 93,895 ऐसी कार्बाइन खरीदने के लिए पहले से ही FTP खरीद के बाद हाल ही में इसे हटा दिया गया था। कैरिकल सहित 4 से 5 विदेशी कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी व्यक्त की है। ये यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या फिर प्राइवेट कंपनियों के साथ गठजोड़ कर इन राइफलों का निर्माण करेंगी। आपको बता दें कि सेना ने पहली बार 2005 में नई असॉल्ट राइफलें और CQB कार्बाइन वापस मंगाई थी जबकि 2009 में LMG के लिए मामला शुरू किया गया था। जो सबसे बड़ा फैसला है कि हमारी जो जितने भी इन्फेंट्री है उनको आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा और ये दोस्तों समय की जरूरत भी है। अगली खबर भारत की स्वदेशी रूप से विकसित अस्त्र MK-1 को लेकर आ रही है।
भारत की पहली स्थानीय रूप से विकसित अस्त्र MK-1 जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इन्हें सीमित संख्या में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ने कई महीनों के बाद इसकी पुष्टि की है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में मीडिया की अटकलों के अनुसार 50 लिमिटेड सीरियल का पहला बैच का उत्पादन किया गया है, जिसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑर्डर किया गया अस्त्र MK-1 ने अब इसकी पुष्टि भी कर दी है। अब ये ऑपरेशनल हो गई है और इसे फ्रंटलाइन Sukhoi-30 MKI जेट्स पर भी लगाना शुरू हो चुका है। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने हाल ही में करीबन 250 और अस्त्र MK-1 BVRAM मिसाइल के लिए आदेश दिए हैं। उत्पादन संबंधी बाधाओं को दूर करके तेजी से इन पर काम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अधिक से अधिक जेट निकट भविष्य में अस्त्र MK-1 BVRAM से लैस होने में सक्षम होंगे, जिनमें तेजस MK-1A, MiG-29K, MiG-29 UPG और इसके बाद मिराज 2000, इन सब में अस्त्र MK-1 BVRAM लगाई जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक पूरे भारत में तैनात Sukhoi-30 MKI स्क्वाड्रन को स्टेप बाय स्टेप इस मिसाइल से अपग्रेड किया जाएगा। इनमें खास करके फायर कंट्रोल रडार, मिशन कंट्रोल कंप्यूटर के साथ मिसाइल के बीच एकीकरण के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की आवश्यकता होगी। अस्त्र MK-1 BVRAM रेंज और कैपेसिटी के मामले में अमेरिकी AIM-120C5 MRAM के बराबर है। भारत का DRDO डबल रेंज के साथ अस्त्र MK-2 पर भी काम कर रहा है, जो कि बेहतर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी कि ECCM के साथ है, और इसे अमेरिकन AIM-120D जो कि मूल रूप से AIM-120C8 के समान ही इसे क्षमता देगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी को लेकर। अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी कि ADTL ने कहा कि उसने रक्षा मंत्रालय और रूस के RAC-MiG के साथ दो चरण के लिए पहले रक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी कुल लागत 753 करोड़ रुपए है। बेंगलुरु स्थित कंपनी जो कि सैन्य विमानों की तकनीक बनाने में माहिर है, ये इसरो के उपग्रह असेंबलियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सैन्य उपकरण बनाती है। अब वे MiG-29 के लिए सिमुलेटर बनाएंगे। भारतीय वायुसेना के पायलट्स उन्नत रूसी मूल के MiG-29 लड़ाकू विमानों को उड़ाते हैं, उससे पहले वे सिमुलेटर का प्रशिक्षण लेंगे। पहले अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो कि 53 करोड़ रुपए का है, उसमें अल्फा डिजाइन शुरू के 2 साल के लिए जालंधर के पास आदमपुर एयरफील्ड में MiG-29 सिमुलेटर केंद्र स्थापित करेगा और उन्हें चलाएगा, और इसके 2 साल के बाद दूसरे 18 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके लिए अल्फा ने इंडियन एयरफोर्स के जो पूर्व पायलट हैं यानी कि जो रिटायर्ड हैं, वो यहाँ पर प्रशिक्षक का यानी कि ट्रेनर का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सिमुलेटर पर प्रशिक्षण से ईंधन की लागत 75% तक बच जाती है, जिससे वास्तविक विमान को उड़ाने में काफी मदद मिलती है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर आ रही है, जहां सुरक्षा बलों ने NSCN के YA कैडर को मार गिराया है। आपको बता दें कि इन कैडरों ने सैनिकों को चुनौती दी और सेना पर गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों और विद्रोही के बीच गोलाबारी के कारण सेना ने जवाबी कार्रवाई कर दी। भारतीय सेना की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस गोलाबारी में सुरक्षा बलों ने किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाए बगैर एक विद्रोही को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को यहां से 3 लाइव राउंड के साथ लेथोट गन मिली है, इसके साथ ही चीनी हैंड ग्रेनेड और साथ ही .32 पिस्तौल भी मिली है। बरामद वस्तुओं को आगे की जांच के लिए लोंगडिंग पुलिस को सौंप दिया गया है। अगली खबर केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर आ रही है। लद्दाख के साथ चीन के साथ जारी गतिरोध के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि देश की एक एक जमीन को बचाने के लिए वे पूरी तरह से सजग हैं और इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अमित शाह ने कहा कि सरकार चीन में लद्दाख के साथ गतिरोध को सुलझाने के लिए हर संभव सैन्य और कूटनीतिक कदम उठा रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया है, तो इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि हम अपने एक एक इंच के भूभाग को लेकर चौकन्ने हैं, कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता है। हमारे रक्षा बल और नेतृत्व देश की संप्रभुता और सीमा की रक्षा में सक्षम है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अगली खबर भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। दरअसल भारत और अमेरिका अब जल्द ही BECA पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेटियल कॉपरेशन, और अंतिम रणनीतिक समझौता जो कि दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच एक घनिष्ठ संबंधों का कारण बनेगा। आपको बता दें कि 26 से 27 अक्टूबर को 2+2 बैठक के दौरान इसकी घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका पहले 2 मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिनमें 2016 में लिमो यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और कॉमकासा। BECA पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देश रक्षा संबंधी मुद्दों के लिए एक दूसरे के साथ जियोस्पेटियल जानकारी और खुफिया जानकारी साझा करने में सक्षम होंगे, और इससे भारतीय मिसाइलों को और अधिक सटीक बनाने में भी मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि इसके अलावा MISTA यानी कि समुद्री सूचना साझाकरण तकनीकी व्यवस्था समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा हो सकती है। 2+2 की बैठक के तुरंत बाद हिंद महासागर में नौसेना अभ्यास मालाबार होगा। भारत, अमेरिका, जापान के युद्धपोत इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी इसमें भागीदारी ले सकती है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई जानकारी पुख्ता नहीं है।
तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब भी आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेक्निकलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।